अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग ना मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो क्लिप है ये रात का है, बाकी सारा व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे का। जो भी मैंने कल के दिन के सारे काम किए हैं ना, वो सारे आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला क्लिप मैंने ना स्पेशली इसलिए रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों के साथ भी ना ये चीज़ शेयर करूँ कि जब हम लोग अपनी छोटी छोटी सी सेविंग्स करते हैं और जब हम अपना गल्ला तोड़ते हैं तो इतने ज़्यादा सारे जब पैसे निकले ना तो बड़ी खुशी होती है। वैसे मेरे गले में आपको ज़्यादा क्वीन्स ही नज़र आएंगे क्योंकि इस गले में कोई बड़ी अमाउंट सेव नहीं की हुई मैंने। ये इसलिए रखा हुआ था कि जो भी क्वीन्स हमारे घर में आते हैं ना, जब हम शॉपिंग करें, कोई भी छोटी मोटी चीज़ लें, तो अक्सर पैसे जो बचते हैं ना उनमें क्वीन्स भी होते हैं। तो वो या तो गाड़ी के ड्रॉ में पड़े रहते थे या फ्रिज के ऊपर या रैक के ऊपर, इस तरह ना वो बेचारे रुलते रहते थे। तो इसलिए मैंने फिर गल्ला ला के रखा कि इसके अंदर मैं ये सारे पैसे रखूंगी। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास पाकिस्तान वाले पैसे भी हैं। जब मैं पाकिस्तान से आई थी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ की करेंसी थी, 3-4 क्वीन्स भी मुझे वहाँ के मिले थे, तो वो मैंने इन पैसों के साथ ही रख दिए कि चलो ये गुम नहीं होंगे इस तरह। और आपको पता है ये जो बड़े वाले पैसे हैं ना, जैसे कि 500 रियाल, 200 रियाल, 100 रियाल, इस तरह के जो पैसे हैं, ये जो है ना ये हमें बिलाल के बाबा उस टाइम देते हैं जब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बिलाल कोई बहुत अच्छा काम करे, बिलाल अपने मामों को अच्छा सा कुरान पाक का सबक पढ़ के सुनाए, तो इनके बाबा ना खुशी से इसको 50 रियाल दे देते हैं, 100 रियाल भी दे देते हैं। जब मैं कोई अच्छा सा ड्रेस पहनूँ, इनको ज़्यादा ही अच्छा लग जाए ना, तो फिर मुझे 500 रियाल भी मिल जाता है। तो इस तरह ना ये छोटी छोटी जो सेविंग्स है ना, ये इस तरह की हैं। ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड से कोई मंथली अपना खर्चा लेती हूँ अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारे घर में वो हम सबका है, इसमें कोई हिस्से नहीं है कि ये मेरे हिस्से का खर्चा, ये आपके हिस्से का खर्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में जो कुछ भी है वो हम सबका है, चाहे बड़ी सेविंग है चाहे छोटी है, वो हम सबकी है। अच्छा, ये गल्ला हमने क्यों तोड़ा है ये मैं आपको ना थोड़े दिनों के बाद बताऊंगी, आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बड़े मज़े की एक चीज़ है जो मेरी और बिलाल की जो खुशी है ना, समझ लें वो पूरी होने वाली है। एक छोटी सी हमारी जो ख्वाहिश है ना काफ़ी टाइम से, वो पूरी होने वाली है। तो इसके लिए ना हमें थोड़े से और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो इसलिए मेरा भी ये गल्ला जो है ना हमें तोड़ना पड़ा। अच्छा जी, यहाँ से अगला दिन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाती, तो किचन में मेरा कोई भी काम नहीं था। मैं तकरीबन 10 बजे उठ गई थी, थोड़ा सा मैं फ़्रेश हुई, बच्चों को भी मैंने फ़्रेश किया, इनको फीडर वगैरह बना के दिए, और मैं अपना काम करना शुरू हो गई थी। आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान की आमद आमद है और सर्दियाँ भी जा रही हैं, तो इस हिसाब से मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ब्लैंकेट थे, जो कुछ भी था ना कबर्ड में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारी जगह उसने घेरी हुई थी, वो सब चीज़ें मैंने निकाल के एक बड़े मज़े का मैंने आज हैक ट्राई किया। ये बहुत ही वायरल हुआ था। मैंने जो है ना ब्लैक कीस कचरे वाले, उनके अंदर जो है ना, इनमें कचरा नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, इनमें हम कचरा डाल के फेंक सकते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सारा कचरा इसमें आ जाता है। तो इसलिए ना मैंने इनको यूज़ करके इनके अंदर ब्लैंकेट वगैरह जो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान था ना उसको मैंने रखा, और वैक्यूम की हेल्प से ना मैंने उसकी सारी एयर जो है वो बाहर निकाल दी, और उसको अच्छी तरह से रोल करके, जो आगे फ्रंट पे थोड़ा सा बच जाता है, उसको अच्छी तरह रोल करके ऊपर टेप लगा दी ताकि दोबारा एयर इसके अंदर ना जाए। तो इस तरह मैंने जो है ना वो सारा सामान बेड के नीचे रख दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत थोड़ी स्पेस लेती हैं इस तरह चीज़ें। और ये जो बैग है ना ये मैंने निकाल के बाहर रख लिया क्योंकि हमें अगर कहीं भी सफ़र पर जाना पड़े और हमें इंशाल्लाह उमरा करने जब जाना होगा तो हम अपनी पैकिंग आराम से कर सकेंगे, हमें दोबारा बेड जो है वो पूरा खोल के उसके नीचे से कोई भी सामान नहीं निकालना पड़ेगा। तो आज मैंने अलमारी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी वहाँ पे रख दी, और वहाँ से जो कुछ भी हमें चाहिए था, अहराम वगैरह चाहिए थे, जो कुछ भी चाहिए थे ना, वो सब मैंने जो है वो निकाल के यहाँ पर रख लिया कि दोबारा मुझे ये वाला काम ना करना पड़े। आपको पता है ये वाला बेड मुझे बहुत प्यारा है, जब से मैंने लिया है ना मैं बहुत खुश हो गई हूँ। इसके नीचे ना बहुत अच्छी स्पेस है, मैंने कितनी ज़्यादा सारी चीज़ें रख ली हैं इसके नीचे, और कोई भी चीज़ रखी हुई नज़र नहीं आती, उनके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं जाती। मेरे पास पहले जो बेड थे ना उनके नीचे वाले हिस्से में 3-3, 4-4 इंच की जो है ना वो स्पेस थी, और हर चीज़ रखी हुई नज़र भी आती थी, डस्ट भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जाती थी। मुझे ना सफाई करना बड़ा मुश्किल लगता था उस टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, आज मैंने अपना जो पुराना तवा है ना उसको वॉश करके साइड पर रखा है, और नया तवा जो है ना वो दादा अबू ले के आए थे पाकिस्तान से आते हुए, मैंने मंगवाया था, तो वो आज मैंने निकाला है क्योंकि जो मेरे पास पहले वाला तवा है ना उसके ऊपर जो है ना ठंडा पानी डालने की वजह से, गर्म तवा था, ठंडा यख पानी इन लोगों ने ऊपर डाल दिया, तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो अब जब भी हम पराठा वगैरह बनाए ना तो ऑयल जो है ना उसका बिल्कुल एक साइड पर चला जाता है, इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो नया तवा निकाल लो, ये पुराना वाला साइड पर रख दो।
तो वो मैंने सारा काम किया, किचन को समेटा। उसके बाद मैं जी आ गई थी वैक्यूम साफ़ करने के लिए बाहर। ये मेरे हस्बैंड ही करके देते हैं, लेकिन आज मैंने खुद ही कर लिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसकी सफाई नहीं की और फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था इसका। और फ़िल्टर की जो ऐसे डस्ट निकाले ना, तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा मट्टी मट्टी महसूस होती है, फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और इसके अंदर ना एक छोटा सा हॉल भी मुझे नज़र आया था, छोटा सा एक सुराख हुआ हुआ है, तो वो भी आज ही मैं इसका कवर कर दूँगी। अच्छा, आज एक बात मैं और आपको बताती हूँ। मैं ना काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। जो आप मेरे पहले व्लॉग देख रहे हैं ना, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले के बनाए हुए हैं, वॉइस ओवर भी की हुई है उनकी। लेकिन उसके बाद ना मैंने और ज़्यादा कामों में मसरूफ़ होकर तो वॉइस ओवर नहीं की काफ़ी दिन से। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और मेरे से ना बोला ही नहीं जा रहा। एक एक क्लिप को ना मैंने कोई 10-10 दफ़ा बोल के रिकॉर्ड किया है। एक दफ़ा रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। तो मैं ना अब बिल्कुल ऐसे गुस्सा आया हुआ है मुझे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि यार आज मेरे से सही बोला क्यों नहीं जा रहा। वैसे भी जो काम हम रोज़ करते हैं ना, उसकी आदत बन जाती है, वो मुश्किल नहीं लगता। जो काम हम काफ़ी दिनों के बाद करें ना, ख़ास तौर पे ये वीडियो की वॉइस ओवर करने वाला, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, मैंने इस फ़िल्टर को ना 10 मिनट के लिए स्पिनर कर लिया था। जैसे ये सूख गया, फिर मैंने इसको ना बारीक बारीक से टांके लगा के अच्छी तरह से इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। और देखे मैंने कितना अच्छा लश पश करके इसको साफ़ किया था, बड़ी अच्छी तरह मैंने सफाई की। आज पता है क्या है, मेरे पास ना कोई करने के लिए घर के ज़्यादा काम नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाले एक्स्ट्रा काम अपने कर लिए। और मेरे ख्याल से हम सबकी यही कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले पहले हम अपने पूरे घर को समेट लें, सारे काम अच्छे तरीके से एक दफ़ा पूरे कर लें, ताकि हमें बहुत सारा टाइम इबादत के लिए मिल जाए, क्योंकि हर इंसान को इंतज़ार रहता है रमज़ान का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस महीने की आमद की ना खुशी अलग सी होती है। तो आज मैंने ना कोई भी खाना वगैरह नहीं बनाना था दोपहर के टाइम, और नाश्ता वैसे ही मैं नहीं बनाती, तो मेरे पास ना बहुत सारा टाइम था। आज मेरे हस्बैंड ने भी घर नहीं आना था, क्योंकि वो अपने किसी काम से ना आज दोपहर के टाइम कहीं बाहर निकले हुए थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कह दिया था कि आप लोग खाना खा लेना, मैंने नहीं आना। तो बस मुझे फिर मौका मिल गया, मैंने कहा चलो मैंने क्या बनाना है, जो पड़ा है मैं उसी से अपना काम चला लूँगी, और इतनी देर में ना मैं अपने दूसरे सारे काम कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने भी मुझे बहुत सख्ती से मना किया हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा सारे काम एक ही टाइम पे नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा सा मैंने आज किया है, थोड़ा सा कल करूँगी, इसी तरह करके ना थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे घर को सेट करूँगी। क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए, हम खवातीन ऐसी हैं ना कि अपने घर को हम किसी भी हाल में ना हम गंदा नहीं छोड़ सकते, हम अपनी चीज़ों को ख़राब होते नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनती है मेरी, मैं अपना थोड़ा थोड़ा साथ के साथ ही समेट लेती हूँ। तो इस तरह जी मैंने दोपहर के टाइम क्या किया था, साग वाले पराठे बनाए थे, दादाबू को भी दिया, खुद भी खाया। और बिलाल जो है ना, वो कह रहा था मैंने मसर के साथ पराठा खाना है, तो मैंने बिलाल को इस तरह खाना दे दिया। वैसे इस दफ़ा हमारे घर में ना 3-4 डिब्बे आए थे पाकिस्तान से साग के, लेकिन हमने एक भी नहीं छोड़ा, हमने सारे के सारे ख़त्म कर लिए। आज हमारे घर में ना ये आखिरी साग पड़ा हुआ था जिसके मैंने पराठे बना के खाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हमने नाम भी नहीं लेना, क्योंकि अगर नाम लें तो फिर याद आता है, और जब याद आए तो फिर दिल करता है दोबारा कहीं से साग मिले और हम लोग खाएँ। तो बस अब हमने इसका नाम नहीं लेना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगी जब सर्दियां, तो फिर देखेंगे कोई भी पाकिस्तान से आया तो फिर हम मंगवाएंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे मैं बच्चों को ना पार्क लेके जा रही थी, क्योंकि इन लोगों ने ना अब अपनी आदत ही बना ली है। जैसे ही शाम के टाइम असर की अज़ान होती है ना, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये लोग खड़े हो जाते हैं, मम्मा अबाया पहन ले, मम्मा हमें शूज़ पहना दे और हमें पार्क ले जाए। यहाँ पे आज मेरी ना फ्रेंड्स भी आई हुई थी। यहाँ पे मेरी एक पाकिस्तान वाली फ्रेंड है, एक इजिप्शियन है और एक यमन से है। जिसको मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, वो इजिप्शियन है, उसको बहुत शौक़ है मेहंदी का, तो वो आज लेके आई हुई थी मुझे, कहती आप मुझे लगा दो। एक दिन ऐसे हम बैठी हुई थी, तो बातों बातों में ना ये मुझे कहती कि आपको हिना हिना कहते हैं यहाँ पर मेहंदी को, आपको लगानी आती है। मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ी बहुत लगानी आती है। तो ये ना आज मेहंदी उठा के ले आई, कहती अब मुझे लगाओ, तुमने उस दिन बताया था ना लगानी आती है। तो बस फिर जो कीड़े मकोड़े मुझे मारने आते थे मैंने सारे मार दिए। वैसे अपनी तरफ से ना मैंने बड़ी कोशिश की कि अच्छी साफ़ नीट मेहंदी लगाऊँ, लेकिन ये मेहंदी इतनी ख़राब थी ना, थोड़ी सी निकालो तो इतनी ज़्यादा निकल रही थी, बहुत ही पतली वाली मेहंदी थी, बिल्कुल ही कोई मैं कहती हूँ थर्ड क्वालिटी की थी। लेकिन अपनी तरफ से ना मैंने बड़ी कोशिश करके फिर भी अच्छी करके लगा दी। और मेरी एक फ्रेंड जो है ना, वो लाइट लेके खड़ी हुई थी साथ, वो हमारी वीडियो बना रही थी साथ, उसने लाइट पकड़ी हुई थी कि चलो जी सही तरह रोशनी में ना मेहंदी लग जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो ये है जी फाइनल लुक, ये देखें आप, मैंने इस तरह से मेहंदी लगाई है अपनी फ्रेंड को। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी। वैसे मुझे यकीन करें बिल्कुल सही नहीं लगी,
क्योंकि ना ये मेहंदी जो है बहुत बारीक सी और बहुत पतली सी थी और सही निकल नहीं रही थी। लेकिन खैर वो बहुत खुश हुई, उसको तो बहुत ही अच्छी लगी। वो तो मुझे इतनी दुआएं दे रही थी, इतनी खुश हो रही थी ना, और मुझे कह रही थी कि आप इसके कितने पैसे लोगे। मैंने कहा यार फ्रेंडशिप वाली बात है, इसमें पैसों वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं जो भी किसी को अगर काम कर दूँ ना, तो मैं उसका मुआवजा लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये बस प्यार मोहब्बत दोस्ती वाली बात है, पैसों वगैरह की बात नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रही थी, आगे मेरी दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ मेरे बच्चे हैं। और जैसे ही हम लोग घर आए ना, बिलाल के बाबा भी आए हुए थे और साथ अपने ये केक भी लेके आए थे। मैं बड़ी हैरान हुई, यार किसी की बर्थडे नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, ये केक किस खुशी में लेके आए हैं। कहते 3-4 दिन हो गए हैं, लोगों ने वैलेंटाइन डे मना के ख़त्म भी कर दिया और आपको खैर खबर भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था वैलेंटाइन डे आ रहा है और आके गुजर भी गया है, लेकिन मैं कभी मनाती नहीं हूँ, मुझे कोई शौक ही नहीं है इस तरह के फजूल कामों का। तो इसीलिए मैंने आपको ना विश किया, ना मैंने आपको याद करवाया, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में देखा है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई ऐसा टाइम नहीं था, कोई ऐसा दिन नहीं था कि जब बताया गया हो कि ये दिन है जी, आपने स्पेशली एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करना है, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे कोई भी है, एंगेजमेंट हुई है, कुछ भी है। तो इस तरह का ना हमारे दीन इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मैं इन चीज़ों को ना बिल्कुल फजूल ही समझती हूँ। मेरी तरफ से जो कोई मनाता है खुशी से मनाए, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं नहीं मनाती। तो खैर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अपनी खुशी से बस प्यार से केक लेके आए थे, ये कोई वैलेंटाइन डे नहीं था हमारा। लेकिन ये है कि खुशी जो है ना, प्यार जो है वो हमेशा दिल में कायम रहता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन बता दिया, इजहार कर लिया, एक दूसरे को हमने महसूस करवा दिया कि हाँ मुझे बहुत प्यार है तुमसे। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो हर टाइम इंसान के दिल में जो है ना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एहसास, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है ना, वो हर टाइम ही होती है। खैर उसके बाद हम लोग आए थे बाय डिनर करने, क्योंकि आज सारा दिन मैंने घर के बखेरे समेटे थे और सारी दास्तान मैंने शाम को बिलाल के बाबा को सुनाई कि आज मैंने वैक्यूम साफ़ किया है, आज मैंने बेड के नीचे सफाइयाँ की हैं, आज मैंने कबर्ड की सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, आज मैंने ये किया है, वो किया है। तो वो मुझे कहते सीधी तरह बताओ ना कि आज रात का खाना भी हमें नहीं देना। तो फिर चलो आज हम बाहर ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे बैच शवारमा, ये मैं पहली दफ़ा आई थी बैच शवारमा। इससे पहले हम ज़्यादा मामा नूरा पे जाते थे, उसका शवारमा बहुत बहुत मज़े का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू था। साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डर की थी, इन्होंने 2 प्लेटर मंगवाए थे, बच्चों के लिए भी फ्राइज़ थे, मैंने शवारमा ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे जो है ना वो ज़्यादा शवारमा ही अच्छा लगता है। तो जो दूसरे प्लेटर है ना, उनमें से क्या निकला है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी मैं आपको सच्ची मज़े की बात ये बताऊँ, अगर आपने आना है ना तो आप लोग शवारमा ज़रूर खाना, फ्राइज़ भी बहुत अच्छे हैं इनके। बाकी ये जो है ना, चिकन टिक्का है, मटन टिक्का है और चिकन सीख कबाब है, मटन सीख कबाब है, ये किसी काम के भी नहीं है। ऐसे ही हमारे ना पैसे वेस्ट हुए हैं। शवारमा बहुत मज़े का था, मैंने टोटीला फ्लेवर में लिया था। इनका मटन टिक्का और चिकन टिक्का बिल्कुल फीका सा है, ज़रा भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही सख्त मीट था इनका। एनीवेज जी अभी मुझे दें इजाज़त, आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।